कीर्ति आजाद जी, राष्ट्रपति के मान की चिंता है या फिर मोदी विरोध में यह किया जा रहा है? और टीएमसी के भी सांसद हैं, उनके भी लोग बोलेंगे, उनके भी संसदीय क्षेत्र में लोग होंगे, वो पूछेंगे कि आप क्यों नहीं गए, इतना बड़ा दिन था, ये हमारे लिए भी अभिमान का दिन था, ये संसद थोड़ा ना सिर्फ बीजेपी की है। कीर्ति जी, 19 नहीं अब 20 हो गए हैं, बीआरएस भी जुड़ गया है इसके अंदर, साथ ही साथ इतनी विपक्षी पार्टियां अगर साथ जुड़ रही हैं तो जरूर संविधान को खतरा है, और उसको लेकर विरोध अगर हम कर रहे हैं तो यानी हमें हमारे पीछे लोगों का हमको समर्थन है। अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में लिखा है, देयर विल बी अ पार्लियामेंट विच विल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ पब्लिक एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यह दो चीजें हैं। और आप जब भी कोई अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसका निमंत्रण राष्ट्रपति जी की ओर से आता है, जब कभी भी कोई कानून में संशोधन होता है या कानून बनता है तो वह अनुमोदन होने के लिए राष्ट्रपति जी के पास जाता है, वहां से अनुमोदित होकर आता है, तभी वह कानून बनता है या उसमें संशोधन होता है। कोई भी सदन शुरू होने से पहले हर वर्ष अभिभाषण अगर किसी का होता है तो वह माननीय राष्ट्रपति जी का होता है। तो पूरे मायने में देखा जाए तो यह पार्लियामेंट हाउस उसके संरक्षक, जिस प्रकार से तीनों हमारे सेना के अलग अलग वो हैं, उसी प्रकार से संसद का भी वह मालिक हैं, वह संविधान की रक्षक हैं। ऐसे में पूछना और यह कहना कि राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए, इसमें क्या गलत है? और अगर 20 लोग एकत्रित हुए हैं, 20 पार्टियां एकत्रित हुई और इस विषय को कह रही हैं, तो इसमें क्या खराबी है? दूसरी ओर अभी रविशंकर जी कह रहे थे, मैं बात तुरंत खत्म करता हूं, उन्होंने कहा कि इसमें चेंबर नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके अंदर कुर्सियां नहीं है, तो आपको बताना चाहता हूं कि फ्रांस की पार्लियामेंट 400 साल पुरानी है, जो जो तकनीक उनको नई लानी पड़ी, जो जो उसमें बढ़ाना पड़ा, कुछ करना पड़ा, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में किया। यूके की पार्लियामेंट 400 साल पुरानी है, जिसे बिग बेन कहते हैं, मैं पिछले साल ही वहां पर देख रहा था कि वहां पर अलग अलग रेनोवेशन वहां पर चल रहा था, उसको ठीक करने में लगे हुए थे। पोलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, बेल्जियम की तो 500 साल पुरानी है। इस प्रकार की पार्लियामेंट्स हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से रही हैं और वह उसका संचालन करते हैं और उस पर गर्व महसूस करते हैं कि हाँ यह हमारा पार्लियामेंट है। तो जब कभी भी इस प्रकार के कोई आयोजन होते हैं तो राष्ट्रपति का स्वाभाविक है उनको आना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग, यह संसद उनके कारण से चलता है, प्रधानमंत्री जी के कारण से नहीं चलता। और ये प्रधानमंत्री जी का विरोध नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री यहां पर आए और इस प्रकार से करें, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसका हमें विरोध है। ठीक है, अतुल अंजान जी अब आपके पास आते हैं, उसके बाद वाजपेयी जी आपके पास और आपके पास वारिस पठान साहब आऊंगे। अतुल अंजान जी, एक ऐसा संदेश जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो विपक्ष चिढ़कर वहां नहीं जा रहा है। क्या ऐसे भी लोग भी तो देश में होंगे जो ये मानते होंगे कि विपक्ष चिढ़कर नहीं जा रहा है? वरना विरोध के कई तरीके हैं, लेकिन अपने आप को ऐतिहासिक दिन से पूरी तरह दूर कर देना, क्या सही मायने में आपको लग रहा है कि उचित है? अतुल जी, इतने लंगड़े तर्क हम अब तक सुनते रहे हैं कि अब मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता। अपने मित्र रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने तो कसम खा ली है कि हम हंसेंगे ही नहीं और हमेशा कटाक्ष करेंगे। ये 10 आदमी के बीच में चले जाए, सबको अलग अलग कर देते हैं, इनकी आदत। ये नहीं बताते कि मंत्रिमंडल से क्यों हटाए गए, पारदर्शिता की बड़ी बात कर रहे हैं, इसका इतिहास बता रहे हैं, ये कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी ने को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया भाई? आपको बड़ा अभिमान था कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने एक शेड्यूल ट्राइब को, जनजाति के लोगों को राष्ट्रपति, महिला को राष्ट्रपति बनाया, आज उसको क्यों हटाया? ये लोग पूछ रहे हैं, गुस्सा नहीं है, लोगों का तर्क है। क्योंकि 10 करोड़ 12 करोड़ ये जनजाति के लोग जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं,